विशेष के बच्चों कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मैं छुट्टी आया हुआ था आज, ये बच्चे बोले चलते हैं, ठीक है, तो अच्छा है, थोड़ा पार्क है, बच्चे भी झूले वगैरह ले लेंगे, अच्छा है। कितना लग गया सेंटर पार्क तुम्हें? शहर दी शान है, शहर दी शान है, शहर दी शान है। एक बार तो मोटरसाइकिल चोरी हो, पुलिस वाला गश्त पर खड़ा, बंग सामने मोटरसाइकिल किक मार के अगलो लेके जाओ। पहले कब्रिस्तान भी तो होता सीगा ना, एक कब्रिस्तान ही है, थोड़ा सा टुकड़ा अदला टुकड़ा एक कब्रिस्तान थी, वैसे तो सारा टुकड़ा ही वक्फ बोर्ड का थी। जिस हिसाब से पार्क है अपना, घूमने फिरने के लिए लेडीज के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई वैसे नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी अच्छा है, कोई कभी भी घूम सकता है, रात को घूमो सुबह घूमो। कंकाल भी बहुत निकले थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा निकले, दो तीन कब्रां भी सी थे, तीन चार कब्रां सी, एक मस्जिद थी। यानी हनुमानगढ़ में एक ऐसी बढ़िया ये जगह बनाई है जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेडीज के लिए, और मिड टाउन के बीच में है, बिल्कुल ये, हाँ ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। क्या बोलते हैं इसको पता है? बुलबुलिया। बुल्ली बुलैया नहीं है, बुलबुलिया। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे हैं दर्शकों ने, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ टाउन के सेंट्रल पार्क के अंदर। बता दूं लगभग साल डेढ़ साल पहला इस सेंट्रल पार्क को है जो नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ निर्माण करेगी, करोड़ों रुपये की लागत है इस सेंट्रल पार्क के ऊपर आई ही। तो आज आप पहुंच चुके हैं सेंट्रल पार्क के अंदर, और सेंट्रल पार्क की जो हाईटेक सुविधा है बस सुविधा दिखाऊंगा वीडियो के मार्फत, तो वीडियो जो लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। तो सेंट्रल पार्क के अंदर एक भाई साहब घूमना आएगा, आप आऊँ बातचीत करा, क्या नाम है जी? सर दौलत सिंह शेखावत नाम है। दौलत सिंह शेखावत जी, खटुआ आएगा। मैं 18 HM डानी से रहता हूँ, ग्रीन सीट में मकान है मेरा। ग्रीन सीट मतलब इतनी दूर घूमना है? हाँ घूमने के लिए। तो घूमना अठा मतलब थाने के विशेष लागे जो घूमना है? विशेष के बच्चों कभी कभी आ जाते हैं, जैसे मैं छुट्टी आया हुआ था आज, ये बच्चे बोले चलते हैं, ठीक है, तो अच्छा है, थोड़ा पार्क है, बच्चे भी झूले वगैरह ले लेंगे, अच्छा है थोड़ा। फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं आया? नहीं नहीं, कोई बार आया हूँ मैं, जब आता हूँ, जब मैं आता हूँ यहाँ पे घूमने भी आता हूँ, बच्चे आगे साथ में। अपना राजस्थान में जगह जगह घूमेडा होगी? और जगह भी? और जगह तो कई जगह घूमे हुए, तो पार्क और खड़ा देखने मिले? नहीं पार्क अच्छा है, ऐसे तो कई जगह है, पर यहाँ अपने हनुमानगढ़ में बहुत अच्छा पार्क है ये सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क मतलब हनुमानगढ़ में अच्छी, अभी बढ़ने के लिए आज बहुत अच्छा है हनुमानगढ़। इस पार्क मतलब लगे गंगानगर या कोई आसपास का इलाका नहीं है? हाँ ऐसा पार्क नहीं है, हनुमानगढ़ में अच्छा पार्क है ये। लोग घूमने भी खूब आते, खूब आते हैं सुबह सुबह, यहाँ खूब आते हैं, घूमने भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, हर समय रहा भीड़ तो है। हर समय संडे को तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, संडे में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। विशेष केला गया, अनोखो केला गया? अनोखा तो झूले वगैरह थोड़ा सही है, और तो क्या है, बढ़िया बच्चों के लिए व्यवस्था सही है। के विशेष लागे था? सब कुछ विशेष है, घूमने फिरने की अच्छी व्यवस्था है, वैसे अगर लेडीज आए जेंट्स आए घूमने आए, सब अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। मतलब पार्क तो अपना हनुमानगढ़ में, कोई इसो पार्क और भी है या कोने? मेरे हिसाब से तो नहीं है इसके, गंगानगर जितनी दूर में ही कोने है। हाँ हाँ वहाँ तक भी नहीं है, जयपुर के लमसम है, इसके बराबरी करते हैं जयपुर। राजधानी रहेगी अगर जयपुर की पार्क के मुकाबले हनुमानगढ़ कर लगे तो जयपुर अपना हनुमानगढ़ है जो बहुत आगे है। हनुमानगढ़ जयपुर से बहुत आगे, बहुत आगे है, मतलब उनकी बराबरी में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से पार्क है अपना, घूमने फिरने के लिए लेडीज के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई वैसे नहीं है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी अच्छा है, कोई कभी भी घूम सकता है, रात को घूमो सुबह घूमो, कोई वो डर वाली बात नहीं है। क्योंकि आमतौर पर पार्क हम देखा चैन स्नैचिंग जैसी वारदात हो और, लेकिन सेंटर पार्क में इतनी कोई वारदात आज तक को नहीं है। हाँ यहाँ अभी तक कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। हाँ जी हाँ जी, बच्चा ने लेके? हाँ बच्चों को लेके आया, घूम के बहुत अच्छा लगा जी, बच्चा बहुत खुश होता है यहाँ आके घूमने के, बच्चों के लिए स्पेशली अच्छा है। झूला भी लगे है बच्चा खातर, और एक्सरसाइज के, जिम करने के लिए, योगा करने के लिए सब व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी खटुआ आयो? टाउन टाउन कितनी बार आ रहे हुआ सेंट्रल पार्क में? सेंट्रल पार्क में सामने में तो रोज ही आ जाऊँ, लगभग 4-5 बार आ गया। रोज आओ है? हाँ। चार, अब तक 4-5 बार आ गया। हाँ। कितना रुपया लागत तो बढ़िया बताओ थाने कुछ? और 6 करोड़ की लागत बताओ? 8.8 करोड़ की लागत? 8.8 करोड़ की लागत। किसों को लगे पार्क? नहीं पार्क बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त है। अनोखो के लागे, विशेष के लागे पार्क में? विशेष बढ़िया है, घूमने की चीजें हैं, बढ़िया झूला लग रहा है। भूल भूलिया देखी थी? हाँ तो नहीं, आज थारा सा ही घूमे हूँ मैं तो, इन मेरे पीछे पीछे घूमे थे ना। हाँ पहली बार ही आए हम तो, और भी यहाँ पार्क में टाइम मिला तो 20 मिनट घूम लिया। तो मोटरसाइकिल वगैरह भी बहुत चोरी हुआ बारा पार्क? बहुत ज्यादा, एक बार तो मोटरसाइकिल चोरी हो, पुलिस वाला गश्त पर खड़ा, बंग सामने मोटरसाइकिल किक मार के अगलो लेके जाओ, भी टाइम मौजूद पुलिस ही जब उस वक्त बिना हाथों हाथ पकड़ लियो, बिना कारण थाना वगैरह कचहरी ले गया। तो मैं तो आई कहूँ कि पुलिस की होना चाहिए ज्यादा। तो एक बुजुर्ग अंकल है अपने साथ, आऊँ आप बातचीत करांगा। सत श्रीकाल अंकल। सत श्रीकाल। सत श्रीकाल। की नाम अंकल थोड़ा? एक कुमकार।
सारी दुनिया भर की सारे शहर की गंदगी इतने घेरते बिल्कुल घेरते बिल्कुल घेरते पहले इतने कब्रिस्तान भी तो होंगे ना ये कब्रिस्तान ही है अच्छा थोड़ा जहा टुकड़ा अदरला टुकड़ा ये कब्रिस्तान थी वैसे तो सारा टुकड़ा ही वक्फ बोर्ड का थी ठीक है वक्फ बोर्ड का सी हाँ ठीक है भला हो वक्फ बोर्ड वालों का तो कांग्रेस सरकार का जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके जगह दे दीती अच्छा वक्फ बोर्ड ने दीती है जगह नगर परिषद में ठीक है समझ गया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दीती ठीक है स्टेट गवर्नमेंट ने नगरपालिका ने दीती ठीक है नगरपालिका ने डेवलपमेंट करा दिता बिल्कुल कब्रिस्तान तो बहुत कोई सुने सीगा बहुत पुराने वेले सीगा आपने मान लो आज तो सैकड़ों साल पहले 200-300 साल पहले सीगा हां तक कंकाल भी बहुत निकले सीगे ना कंकाल भी बहुत निकले सीगे हां जी बहुत ज्यादा निकले दो तीन कब्र भी तीन चार कब्र सी एक मस्जिद सी मस्जिद सी मस्जिद दरगाह तो आज भी है उते तो उते बाहर आई है ना हुन बाहर कर दी ठीक है जगह टेढ़ी करके पार्क च लेंदी बजाय उन टेढ़ा करके टेढ़ा निकल जा वो तो पीरां दी हैगी दरगाह पीरां दी उते तो लोग की सेवा भी करदे ने हां जी अंकल तुसी मैनु आ दसो जिवें इन्ने टाइम वक्फ बोर्ड ने जगह दित्ती नहीं ते इत्थे कुछ सीगा भी नहीं जिवें तुसी तुसी कहंदे हो गंदगी दा ढेर जे क्योंकि लोकी गंदगी पांदे हुंदे सीगे इत्थे ते हुण सेंटर पार्क भी बन गया ते शहर दा हरदे स्थल बन गया शहर दी जान बन गई पार्क ते किन्ने के लोकी आउंदे रोज घुम्मण नूं तुसी तो रोज आउंदे इत्थे पब्लिक इत्थों दी घटी आंदी है घटी आंदी है पापुलेशन दे मुताबिक पापुलेशन दे मुताबिक ठीक है मेरा ख्याल है अगर पापा संडे निकलेंगे तो 1-2% ठीक है संडे नु ज्यादा भीड़ होंदी है ना संडे नु बाकी जा छुट्टी वाले दिन अंकल इत्थे तो बाय मोटरसाइकिल बहुत चोरी होंदे लोकां दे बाहर तो कैमरे लगे हुए ने ते पार्किंग नहीं हैगे ते पर्सनल किसी दी 10 रुपए लगन भी पहले चार्जेस भी हैगा सीगा अच्छा अच्छा हैगा हैगा सी ठीक है हुन चार्जेस बनेगा फ्री है ठीक है तुसी दसो अंकल थोड़ा की ना मेरा नाम विष्णु शर्मा अच्छा विष्णु शर्मा जी मैंने एक बात बताओ थे अठगा ही रहना रहोगे हनुमानगढ़ हां लोकल अच्छा लोकल विष्णु शर्मा जी पार्क रोज आओगे घूमने पार्क में हां लगभग रोज आओ लगभग रोज आओ ये पार्क में क्या विशेष लगे थाने भाई मैं 84 से हनुमानगढ़ में हूं तो ये जो चीज बनी है ना मैं तो इसके बड़े फेवर में हूं और जिसने ये बनवाया उसके लिए धन्यवादी हूं धन्यवाद दिया बनवाओ कौन अपने जो ऐसा विधायक जी है जो चेयरमैन होता है बड़ा हां बड़ा चेयरमैन ने यानी हनुमानगढ़ में एक ऐसी बढ़िया ये जगह बनाई है जो बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए लेडीज के लिए और मिड टाउन के बीच में है बिल्कुल शहर के बीचों बीच हां ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है बिल्कुल 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 टाउन का लोग हमेशा ही है क्या करता सारा विकास जंक्शन में हो रहे हो और एक इसो काम करवा दियो टाउन में जो सारा जंक्शन का विकास कार्य पर भारी पड़ गया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है ये यानी सारे विकास को लेके एक भारी बिल्कुल बिल्कुल और लोग चाहे कुछ भी कहें जो चेयरमैन थे एक्स चेयरमैन लेकिन इस काम के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं बिल्कुल प्रशंसा का पात्र भी है अपना घूमने खातर एक जगह मिल गई शहर के अंदर क्योंकि पहले चिल्ड्रन स्कूल पार्क में जाया करता इतनी दूर बड़े वारदात भी होती हाँ चिल्ड्रन स्कूल में तो जगह कम थी एक वहाँ देख रेख भी कम थी बिल्कुल देख रेख भी कम हाँ वो कुछ समय के लिए वहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह वो लगाए थे वो काफ़ी लेट लगे थे बिल्कुल लेकिन फिर भी अब जो वर्तमान में है जैसे राजा कोठी में बन रहे हैं ये स्कूल के अंदर भी घूमने के लिए बूढ़े बुजुर्गों के लिए ठीक से जगह बनाई है तो अंकल कोई वारदात वगैरह तो कोई नहीं हुआ यहाँ स्नैचिंग वगैरह चैन स्नैचिंग की कोई सुनी तो नहीं है लेकिन जो बच्चे हैं ना थोड़े से लोअर कैटेगरी के वो झगड़ा फसाद तो कभी कभार कर लेते हैं अच्छा मतलब जो थोड़ा बदमाश टाइप का अंदर जो मतलब आवारा टाइप अच्छा पार्क में झगड़ो कर ले पार्क में कई बार वो अंदर की तरफ करते हैं ये चौकीदार के तो बेचारे बस की बात नहीं है चौकीदार तो बेचारो के करो वो काम तो पुलिस को है बिल्कुल उसकी तो कोई बस की बात नहीं है पृथ्वीराज जी ये पार्क सेंटर पार्क में रोज आओगे घूमने के पार्क में के विशेष लगे थाने कुल मिला के ठीक व्यवस्था होगी जैसे जैसे
घर बैठे रहते थे, अब यहाँ आते हैं कुछ हमारे शरीर को तो आराम, आराम भी मिला है क्या पार्क को, फायदा मिले को मिले हैं? और क्या कहना चाहोगा पार्क के बारे में? इसो पार्क है आप लोग यहाँ आसपास में और नहीं है क्या कहना चाहोगा? और मतलब आप व्यवस्था की बात करा, साफ सफाई की बात करा, अच्छी है क्या? हाँ कुल मिला के व्यवस्था मिला के अच्छी। तो थारे घर का नहीं मिले आओगे थे? आंटी जी आ रहे हैं, थारा बच्चा ने टाइम मिले तो बेबी आवे पोता वगैरह। चलो वो फूलों को बगीचो है सेंटर पार्क के अंदर, माली वगैरह भी रखेड़ा है और गुलाब का फूल की आप बात करा, और ये तो अभी फूल उगा घाट है, बहुत तरीका का फूल वगैरह अपना देखने मिला वो सारों को सारो बगीचो फूल को और आगे सार संभाल है जो नियमित रूप करी जाए, विशेष रूप जो माली है ये पार्क के अंदर रखड़ा है, लगभग आप बात करें 7-8 माली रखड़ा है इतना बड़े पार्क खातर। तो 28 सेंट्रल पार्क के अंदर स्टेज वगैरह भी लगाए गए हैं, पीछे कुर्सियाँ स्टेडियम के रूप में इन आकार देकर तैयार कर, ताकि जितना भी कार्यक्रम हो प्रशासन का अठा आयोजित करवाया जा सके। और ये जो कुर्सियाँ देख पा रहे हो और 28 लोग बाग है बैठ के सुबह सुबह योगा भी करे करें इस जगह बैठ के, स्टेडियम टाइप के अंदर आप बात करा तो 20 तरीकों में 28 आकार दिए गए और वो भी सेंट्रल पार्क को ही हिस्सों है। तो सेंट्रल पार्क के अंदर जो पुली को जो निर्माण करेगा नीचे देख पा रहे थे वो एक तरीके का स्विमिंग पूल है, पानी को नहीं के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर, और स्विमिंग पूल को ऊपर है पुल को जो निर्माण है वो करेगी लकड़ी का फट्टा देके पुल ने आकार तरीकों एक तरीकों आप देखा गया फिल्मों की शूटिंग वगैरह एक रहे तो भी तरीका वो एंगल है इन्हें दिए गए में। तो चीज़ है बड़ी ही अनोखी है, साइड में पहला नीचे दिखाने करूँगा मैं, लकड़ू है ये पुल ने शेप दी गई है सारा ने, और ये लकड़ियाँ ही है ऊपर कोई की तरीके कोई आप कर कंक्रीट वगैरह की है वह कोनी करेगी। अब ऊपर चल गया आप पड़ले पास चलेंगे और पुल के ऊपर एक सागे है, बहुत सारा लोग है जो खड़ा भी रेस का है, और सुरक्षा की दृष्टि देखा तो उब्बा भी है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, को नहीं कि ज़्यादा लोग खड़े हो जाए और वो नीचे धस जाए या नीचे पड़ जाए, नीचे के पास आएंगे स्पोर्ट वगैरह है वे भी खूब सारी देरी है। लेकिन फिलहाल भी पहला मैं दिखाना चाहूँगा सेंट्रल पार्क के अंदर बच्चा खातर एक आधुनिक झूला वगैरह की आप बात करें तो बंग निर्माण करके जो टब्बर ऊपर चढ़ के नीचे फिसले एक वो और झूलो एक रहे वो और भी गोल घूमनारी चीज़ें और भी मतलब मैंने नाम भी याद को नहीं, इस तरीका का झूला है इस सेंट्रल पार्क के अंदर, वो जो इलाकों पूरा को पूरा बच्चा खातिर है सारो, जो गार्जियन है आपका छोटे छोटे बच्चा ने ले गया आसपास के इलाका का शहर का जितना भी बच्चा है अड्डा सेंटर पार्क के अंदर आगे झूला लेवर एक तरीके आप यहाँ केस का बड़ो ही बंगा परिजन भी सागा हुआ है बच्चा के सागे सागे बूढ़ा भी है कई बार है जो झूला ले लिया करे वाकई के अंदर आप आगे इसका बड़ी एक तरीके काबिले गौर करने की बात है। पूरे सेंटर पार्क के अंदर है ये आधुनिक लाइटा लगाई गई है जी की वजह से शाम के टाइम है इस सेंटर पार्क की सुंदरता के अंदर है ये लाइटा चार चांद लगाने को काम है बाकरा लग रही है। एक सेंटर पार्क की सब अनोखी चीज दिखाना चाहूंगा भूल भुलैया, यानी कि पार्क ने घास हुआ है भूल भुलैया को निर्माण करके भूल भुलैया के अंदर चलेंगे आप और दिखाऊंगा वाकई के अंदर भूल भुलैया। अब आप इन जिया चल गया अंदर और एक तरीके जी आप कह चक्रव्यू केस का जो महाभारत के अंदर चक्रव्यू को निर्माण करे डो बी तरीके को चक्रव्यू अब इन बढ़ूंगा मैं और आप भूल भुलैया के अंदर आप आ गया अभी के अंदर बढ़ तो गया आप इन जावा ठीक है ना वो रास्ते को नहीं इन्ना आगे अब तीन चार बच्चा भी है और एक बढ़ गया अंदर और किया निकला गया भूल भुलैया हूँ और मैं खुद किया निकलूंगा वो रास्ता मिल गया और वो रास्ता मिल चुके हो मैंने इन्हों जावा तो अठे रास्ता खत्म हो गया इन्हें की निकला हनुमानगढ़ को विकास है वो एक तरीके वक्त की बर्बादी आज चीज़ के दू मई के अंदर जो बढ़ गयो बिंगी 15-20 मिनट खराब होगी शायद इन वो रास्ता है ये रास्ता है ना ये क्या है अच्छा ये किस क्या बोलते हैं इसको पता है भूल भुलैया तो पता है पूरा कैसे जाया जाता है और कैसे निकला जाता है कितनी बार आए पाई यहाँ पर रोज आते हो दो तीन बार आए अच्छा इसमें भूल भुलैया में कितनी बार आ गए दो बार कैसा लगा ये भूल भुलैया मस्ती है अच्छा 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 लगा है क्या नाम है अदनान क्या नाम है फरहान कैसा लगा भूल भुलैया बहुत अच्छा लगा घूमे तो नहीं भूल भुलैया मेरा ध्यान रखना यार घूमना आ जाऊंगा ना मेरे को पकड़ लेना ना संभाल लेना अरे यार क्या भूल भुलैया यार गलत जगह बढ़ गया आपा तो यार वो सेंटर पॉइंट आ गयो भूल भुलैया को सेंटर पॉइंट के अंदर हटे पाइप लगेड़ी है शायद समर्सिबल लगेड़ी हटे पानी वगैरह लगाने खातर सेंटर पॉइंट अब हटू निकलूंगा किया मैं आज ही सोच के हैरान हूँ काफी राउंड मैंने मारना पड़ेगा हटे निकलने खातर इन्हें शायद रास्ता है इलावा से हाँ पीछे रास्ता मैंने दिख गयो। तो सेंट्रल पार्क की आप बात करें तो सेंट्रल पार्क के अंदर चारों तरफ है CCTV लगेड़ा है ताकि की तरीके कोई भी घटनाकारित होवे कोई भी वारदात होवे तो तुरंत प्रभाव हुआ है जो आरोपी है की पहचान करी जा सके और घटना की रोकथाम खातर जगह जगह CCTV कैमरा भी है लागे गए सेंटर पार्क के अंदर आप एंट्री करा तो वो प्रवेश द्वार आ गए सेंटर पार्क को और वो आ गए सेंटर पार्क को मेन गेट जो अभी फिलहाल है जो बंद पड़े हुए हैं इन्हें बंद कर रहा है छुट्टी वाला दिन है क्योंकि अब तो संडे वाला दिन वो मेन गेट है जो वो मेन गेट खुलिया करे बाकी ये छोटा गेट है बे खुलिया पड़ा है
तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके वहां जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन दबा दे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गांव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है या सेंटर पार्क जिसको कोई पार्क है तो नीचे कमेंट मेंशन करना, बिल्कुल भी ना भूलो, मैं बैठा भी पूछूंगा। और बी पार्क की भी वीडियो है जो लेके आऊंगा, जनता तक आकर लेने का जो काम है वो करूंगा। थाना वो वीडियो के मार्फत थाना सेंटर पार्क की तरीके को लागो, मैं विचार भी थारा कमेंट में जरूर मेंशन करो। अंत तो मैंने दे इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।